मैंने कौन सी औरंगजेब पर बात कही जो मैं उसकी दलील दे रही हूँ? एक बात कोट कर दो यहाँ पर। मैंने कौन सी बात कही? मेरी एक बात कोट करो पहले। ये यहाँ एक बात कोट करो। मणिशंकर अय्यर तो बोलता रहता है। अरे ठीक है, वो जवाब दे रहा है। कौन सी बात कही यहाँ पर औरंगजेब की दलील लाकर? मुझे बोलने का कौन सी बात कही मैंने? गजब आ रहा है, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अरे आप नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का जो बहस है बहुत ही शानदार होने वाला है, जो कि इस बहस में सुप्रिया मैम है और संबित पात्रा जी हैं, अनुराग भदौरिया जी हैं, जो कि बहुत ही शानदार ये बहस होने वाली। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा ही वीडियो लाए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए देर न करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत देर से हिंदू हिंदू कर रहे हैं, अच्छी बात, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, दलित हिंदू है या नहीं बता दीजिए। पुजारी कब बनाएंगे आप सोचिए, मंदिर में पुजारी कब बनेगा दलित बताइए, अयोध्या में कब पुजारी कब बनाएंगे बताइए, अयोध्या में दलित पुजारी कब बनेगा बताइए, एक दलित पुजारी कब बनाएंगे बताइए, आपने उनको उनका सम्मान नहीं किया कभी, आप हिंदू है दरवाजे से निकलने दिया, कुएं से पानी नहीं पीने दिया, मंदिर में घुसने दिया, आपने दलितों का स्थान हमेशा छोड़ा है, आप बताइए उनको कब बनाएंगे पुजारी, बताइए अयोध्या में पुजारी कब बनेगा दलित, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, दिमाग खराब हो ही जाएगा, हक की बात करेंगे तो राहुल गांधी कौन सा दलित है, बताइए राज्यों में राहुल गांधी कौन सा दलित है, आप बताइए दलित अध्यक्ष पहले, आप पहले बताइए, मैं अमन तिवारी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जिस औरंगजेब की आप दलील लेकर यहाँ आई हैं, जिस औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया, जिसने अपने भाई को मार दिया और जिसके राज्य में हमारी हिंदू माँ बहनों को उनका मीना बाजार लगा, हिंदू माँ बहनों का बलात्कार हुआ, उसको आप आइकॉन मान करके आप उसका दलील लेकर आई है, क्या अमन तिवारी जी, एक मिनट अमन तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे लगता है पूर्वांचल के हैं। अच्छा, मैंने ऐसी कौन सी, हाँ क्योंकि मैं भी पूर्वांचल ना, मैं भी पूर्वांचल की हूँ, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर की हूँ, गोरखपुरी उनका एक्सेंट है। मैंने कौन सी औरंगजेब पर बात कही जो मैं उसकी दलील दे रही हूँ? एक बात कोट कर दो यहाँ पर, मैंने कौन सी बात कही, मेरी एक बात कोट करो पहले, एक बात कोट करो, मणिशंकर अय्यर तो बोलता रहता है, कौन सी बात कही यहाँ, ठीक है वो जवाब दे रहा है, कौन सी बात कही यहाँ पर औरंगजेब की दलील लाकर, मुझे बोलने का, कौन सी बात कही मैंने, गजब आ रहा है, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, अरे आप औरंगजेब का तो नाम भी नहीं लिया, तो ये डिबेट ज्ञानवापी पे हो रहा है ना, मैंने तो ज्ञानवापी के साथ नहीं आए हो, मैं कह रहा हूं कि ज्ञानवापी पे आपके साथ क्यों नहीं आए, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, वो आए हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, नहीं हुआ, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, कुछ बोल लेने दो, फॉर द रिकॉर्ड ये अच्छी बात नहीं है, बोला ज्ञानवापी पे, ये बोल ही नहीं सकते एक शब्द, नहीं बोला सर, मुझे दो मिनट और, इनको राहुल गांधी ने मना किया है, सर मैं एक शब्द नहीं बोलना, स्त्री सम्मान की बात कर रहा हूँ यहाँ, जिस मुगलों ने हमारी माँ बहनों को नंगा किया, बलात्कार किया, ये सब बताने की क्या जरूरत है, सवाल क्या है उनसे, हमारा क्वेश्चन है कि उस औरंगजेब को ये जो आपके पार्टी का जो जितने लोग आइकॉन मान रहे हैं, क्या ये सही है? चलिए ये बेवकूफ जनता, मेरा नाम कम से कम मत कहिए, मेरा नाम अंजना जी, जनता सवाल पूछ जाती है, उनका पूछने का तरीका अलग होता है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम उसे बेवकूफ ना कहा जाए, नहीं बेवकूफ कहा आपने अभी, उसे बेवकूफ आपने कहा, बेवकूफ नहीं है, अच्छा अच्छा, आप लोगों ने मुगलों को बढ़ाया है, यह हकीकत है, आपके मैं बताता हूँ, अंग्रेजों को माफी नाम है, अंग्रेजों को माफी लिख रहे थे, भगवान को माफ कर दो, आपकी आवाज जा रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही, एक सेकेंड, अगर आप नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे लेंगे, जवाब कैसे लेंगे, आप ये बच्चा पूछ रहे हैं कि
एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, मैं जात में नहीं बोल रहा, किसी को बेवकूफ कहना ये बिल्कुल, लेकिन जात पर मैं तो मत, किसी को बेवकूफ कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो सवाल अपने तरीके से पूछेंगे, आपने बेवकूफ नहीं कह सकते। अंजना जी, उचित नहीं है। मैं एक चैलेंज देती हूँ। क्या चैलेंज देती है? आप पहले माफी मांगिए। आपने बेवकूफ क्यों, आपने जात और जाति को आप लोगों ने बढ़ाया है, औरंगजेब को आप लोगों ने बढ़ाया है, मुगलों को आप लोगों ने बढ़ाया है, मनीष शंकर अय्यर ने मुगलों के बारे में इनकी पार्टी ने कहा है कि जिस प्रकार हिंदुओं में परिवारवाद था, कांग्रेस में भी परिवारवाद है, क्या बुराई है, क्या बुराई है? सुप्रिया जी, दस सेकंड आ रही हूँ, क्या हो सकता है, आ रही हूँ, क्या होगा 10 सेकंड, क्या होगा 10 सेकंड? 70 साल बोल रहे हैं ये, तो आपने 8 साल में कौन सा दलित किया चला है, कौन सा दलित किया आपने, ये सुप्रिया जी आपकी आवाज जा रही है, बोलिए, हिंदुस्तान को क्या दिया आपने 15 साल से, ऐसे सब को चुप कराना, मजाक उड़ाना इसका, उसका मजाक, अनुराग जी जनता का मजाक, यहाँ पे मजाक उड़ाओ, संविधान न्यायपालिका और दुनिया का मजाक उड़ाओ, इसके अलावा आप कर क्या रहे इतनी देर से, आपसे महंगाई की बात होती चुप हो जाते हो, महंगाई की बात करो पेट में दर्द हो जाता, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे, हम आप भी बात कर रहे हो, महंगाई पे बोलोगे, बेरोजगारी पे बोलोगे, अरे अनुराग जी सुप्रिया जी को बोलने दीजिए, बता रहा है, ये चैलेंज दे रहा हूँ, मैं बहुत चैलेंज देके कहता हूँ, ये प्रूफ करे कि हम कि कांग्रेस पार्टी मुगलों के साथ खड़ी नहीं है, जब औरंगजेब रोड को बदलने का बात आया, आप खुद देखिए औरंगजेब रोड को बदलने का विषय आया, यही प्रवक्ता, अच्छा ठीक है, जब उनको बोलने दीजिए संबित जी, संबित जी प्लीज, कह रहे थे कि औरंगजेब रोड इधर बदलना नहीं चाहिए, हम औरंगजेब रोड को बोलोगे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, मगर ये सुप्रिया जी हमें भड़ाम दे रहा है, सुप्रिया जी इसी का जवाब दे रही है, अनुराग जी प्लीज, भाई आप देखो क्या हो रहा है साहब, आप कह रहे थे डेविड मोदी, आप कह रहे थे कि हिंदू अंग्रेज छोड़ो आंदोलन में, आपने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है कि अरे मैं तो जन्म भी नहीं हुआ था, मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, क्या है, अरे भारत छोड़ो आंदोलन, आप बोले जा रहे हैं, बताओ सुप्रिया, बीजेपी भी नहीं भारत छोड़ा, अरे भैया आपके 1980 में भाजपा हमारे संगठन का बहुत मुश्किल है, सबको चुप करना, मेरी मजबूरी में समझिए, बोलिए, मैं चैलेंज देती हूँ, महंगाई बेरोजगारी और गरीबी पर भाजपा 30 सेकंड बिना रुके मेरे साथ एक डिबेट कर ले, नहीं करेंगे, लेकिन एक मैं पूरी नहीं उनकी बात, मैं बोल रहा हूँ प्लीज, अरे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, महंगाई महंगाई पे बेरोजगारी, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर मिले 5 सीट, वो फिर मेरे साथ इनके साथ डिबेट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, मजा आया हो तो आप एक कमेंट कीजिए, इनके बारे में क्या कहना चाहे, संबित पात्रा, अनुराग भदौरिया और सुप्रिया मैम के बारे में, अंजना ओम कश्यप और ये लड़के लोग जो बच्चे हैं सवाल किए उन पे तो भड़क गई सुप्रिया मैम, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस वीडियो को आप देख सकें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।